वीआर लाइव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब ख़वातीनो हज़रात। फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल और लायलपुर लिटरेरी काउंसिल की जानिब से आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये सेशन पाकिस्तान टेलीविज़न की लेजेंडरी ड्रामा राइटर हसीना मोइन को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्किद किया गया है। What happened? I don't know. There's a glitch at Shiva's end. अच्छा, मेरी बात सुने। ये जो जूम पे ना टीचर हमारी जो ग्रेड सिक्स की और थ्री की और टू की टीचर्स वो पढ़ा रही हैं बच्चों को, और आप लोगों से ये नहीं हो रहा संभाला जा रहा। हेलो शिवा, यू आर बैक। जी जी जी, सॉरी, मेरे नेट पे मसला था। जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब ख्वातीनो हजरात। फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल और लायलपुर लिटरेरी काउंसिल की जानिब से आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा ये सेशन पाकिस्तान टेलीविज़न की लेजेंडरी ड्रामा राइटर हसीना मोइन साहिबा को खराज तहसीन पेश करने और उन्हें याद करने के लिए मुनक्किद किया गया है। हसीना मोइन साहिबा, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसी साल 26 अचानक हमसे जुदा हो गई। मैं अगर उनकी लाइफ के बारे में मुख्तसरन बताऊं सबको, तो 41 में कानपुर में हसीना मोइन साहिबा पैदा हुई, और पार्टीशन के बाद उनके वालिद साहब ने पाकिस्तान आने को चुना, और 48 में वो लोग रावलपिंडी जाकर सेटल हुए, और फिर पिंडी से लाहौर, और लाहौर के बाद फाइनली अर्ली 50s में वो लोग कराची जाकर सेटल हुए, और वहीं पे उनकी फिर एजुकेशन रही और उनकी जॉब वगैरह। 69 में उन्होंने पीटीवी से उनका रिश्ता बना, और उन्होंने पहला ईद का एक ड्रामा लिखा, और उससे पहले वो रेडियो पे काम करती रहीं, लिखने का काम वहाँ करती रहीं। और 69 में इस ड्रामे के बाद से उनका ये सिलसिला हमने देखा कि जारी ही रहा किसी ना किसी शक्ल में। शुरू के ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न के एडेप्टेड प्लेज होते रहे, लेकिन 1970 में उनका एक बहुत मकबूल ड्रामा किरण कहानी हम सब ने देखा, जो कि पहला ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखा गया। हसीना मोइन साहिबा की तहरीरों से, उनके ड्रामों से, जो उनकी बहुत एक नाकाबिले फरामोश बात है वो ये है कि उन्होंने हमें उस वक्त 70s और 80s की दहाई में एक जो एम्पावर्ड विमेन का तसव्वुर दिया था वो बहुत अहमियत का हामिल है। हमारे साथ आज उनको याद करने के लिए जो दो लोग मौजूद हैं, वो ना सिर्फ उनके साथ काम भी कर चुके हैं बल्कि ज़ाती ज़िंदगी में भी उनके बहुत करीब रहे हैं, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, और वो हसीना आपा पे बात करने के लिए उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं शहनाज शेख साहिबा और मरीना खान साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज और मरीना आपका। हमारे साथ साहिरा काजमी साहिबा ने भी होना था, लेकिन कुछ कनेक्टिविटी का इशू था लिहाजा वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकी हैं, लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहनाज, अगर मैं आपसे बात शुरू करूँ, आपने आप उनके ड्रामों में से ही आपने अपना काम शुरू किया, गालिबन उससे पहले आपने बलीला में एक दो किस्तों का काम किया था। शहनाज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। ओके, अजीब सा लगता है ना कोई अगर बात सुन रहा हो तो। नहीं नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा स्टिल था इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूछ लूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप किसकी दरियाफ्त थी? आप खुद आई थी या आपको किसी ने दरियाफ्त किया?
आई थिंक आप ये कह सकती हैं कि जब मैं कॉलेज में थी ना, वॉज इन थर्ड ईयर, नहीं थर्ड ईयर में थी, नहीं फर्स्ट ईयर, नहीं सेकेंड ईयर, कुछ ऐसे ही था, तो शोएब हाशमी साहब ने एक बलीला शुरू किया था यहाँ से, क्या कहते हैं, लाहौर सेंटर से। उस वक्त हम सारे स्टूडेंट्स थे, आई थिंक वी वर इन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, समथिंग लाइक दैट। तो हम लोगों को उन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स को लिया था, ठीक है, वी वर ऑल नोविसेज, हमने किसी ने पहले काम नहीं किया था। So we all took part, ठीक है ना, and basically it was just a fun thing. अभी हमने कोई दो चार ही recordings कराई थी, तो वो ban हो गया किसी वजह से, और पता नहीं क्या वजह थी, हम लोगों को तो नहीं इतना idea था, लेकिन खैर वो बंद हो गया लॉर्ड स्टेशन से, हम अपनी अपनी पढ़ाइयों में लग गए, फिर उसके बाद कोई ऐसी कोई चीज भी नहीं हुई। फिर जो ये अनकही और इसकी जो सारी ये जो चीज शुरू हुई थी, ये हसीना आपा मेरे पास खुद आई थी, क्या कहते हैं, कराची मिलने मेरे से, क्योंकि उनको मेरे एक प्रोफेसर होते थे हसनात अहमद, जिन्होंने सचगप में भी बहुत काम किया हुआ था, तो ही रेकमेंडेड के देयर इज दिस पर्सन। मैंने स्कूल के कॉलेज के प्लेस वगैरह किए हुए थे, तो एक ही बल्कि किया था, तो उन्होंने कहीं देखा था, तो उन्होंने कहा भाई ये एक है इस तरह की माई स्टूडेंट है, शी लिव्स इन कराची, आजकल छुट्टियों पर गई हुई है, कराची में होती, वरुण जो गोसी है, तो वो और शोएब साहब दोनों इकट्ठे आए, दैट्स इट। तो आप कह लें जिसकी भी मैं डिस्कवरी फैसलाबाद आई हैव नो आइडिया वेयर शी इज फ्रॉम अजहर सनाबाजी से तो उसको पैसे दे जी, आप मुझे सुन सक रही हैं? बात जी अब आ रही है जी शहनाज जी, प्लीज जी, हेलो जी, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ जी, तो बस ये थी इतनी सी बात, दैट्स इट, द रेस्ट इज हिस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल, तो जब कराची आप आई और आपने तन्हाइयां के लिए आपको लिया गया, अच्छा मुझे ये बताएं, नहीं आई हैव एक ऑब्जेक्शन है मुझे आपसे, कि सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि इज दिस प्रोग्राम गोइंग टू बी अबाउट मी और इज इट गोइंग टू बी अबाउट हसीना? नहीं, ये हसीना आपा के बारे में ही है। मेरी जो पर्सनल लाइफ है या मैं किस तरह थी क्या था वो तो चले, दैट्स नथिंग टू डू विद द प्रोग्राम। मुझे अजीब से शर्म सी आती है मुझे जब मेरे बारे में ज्यादा लोग उनके प्रोग्राम में पूछते, मैं एक्चुअली आपसे यही जानना चाह रही थी कि मैंने हसीना आपा के मुंह से ये बात सुनी थी कि उन्होंने कहा कि मैं अपने ड्रामों के हम जब लोग उनमें शामिल किया करते थे तो हम बाज़ औक़ात अपने जानने वालों की लड़कियों के घर तक पहुंच जाया करते थे और हम उनसे कहा करते थे कि जी आप काम करें इसमें। उनको बताया था क्योंकि वो टेलीविजन में काम वगैरह करते थे तो उनके थ्रू शी गॉट टू मी। और आप जानती हैं कि जैसे मैंने भी शुरू में भी बात की कि हसीना आपा ने जो हम एक कॉन्फिडेंट और एक पढ़ी लिखी और एक इंडिपेंडेंट लड़की का जो एक इमेज दिया, मैं समझती हूँ कि आपने उस इमेज को चेहरा दिया था अनकही में और बाद में तन्हाइयां में भी। तो मेरे ख्याल में ये जरा अनफेयर होगा बाकी उनके जो प्लेस की हेरोइंस थी उनके लिए, आई थिंक इट विल बी अ बिट अनफेयर। किरण कहानी में भी वही चीज थी, अंकल उर्फी में भी वही लड़की थी, सो शी हैज ऑलवेज सिंस डे गो शी हैज ऑलवेज पोर्ट्रेड वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड इंडिपेंडेंट वुमेन। इट्स नथिंग टू डू विद जस्ट अनकही और माय रोल, इट मेरे से बहुत पहले से ये वो इन्हीं इसी तरह की खवातीन के लिए लिखती आई है हमेशा। बिल्कुल, जैसे उन्होंने शहजोरी के लिए बात की थी कि उन्होंने उसका नाम शहजोरी रखा ही इसलिए था। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, और हम उनके ड्रामों में हमने ये भी देखा कि उनके ड्रामों में मोस्टली जो खवातीन के किरदार थे वो ज्यादा
अहम भी थे और नुमाया भी थे और मकबूल भी बहुत ज्यादा हुए, क्योंकि उनके जो मेल कैरेक्टर्स थे वो भी उस तरह से पहचाने जाते हैं और जाने जाते हैं। आप क्या समझती हैं कि हसीना आपा ने अपने अपने जो स्क्रिप्ट उनका होता था उसमें उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, या आपके नजदीक क्या था? आई थिंक इट वॉज डायलॉग्स, डायलॉग्स। अच्छा। लाइंस जो वो लिखती थी ना, दैट वॉज हर स्ट्रॉन्गेस्ट, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो उनके साथ होता और था, और एक आइडिया वो उनके डायलॉग्स जो हुआ करते थे वो बड़े प्यारे छोटे छोटे से और बहुत बहुत विटी और बहुत फिल्बदी और बड़े स्मार्ट और बड़े इंटेलिजेंट उनकी कॉन्वर्सेशन, और जो बेसिक उनको बाकी का जो प्ले होता था उसकी जैसे प्लॉटिंग होती थी होता था, उनके साथ हमेशा कोई ना कोई एक वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर भी साथ होते थे, जैसे वो शीरीन होती थी, फिर मोहसिन साहब होते थे, फिर शहजाद खलील थे, तो इस तरह से दे ऑलवेज वर देयर टू पुट द प्लॉट टुगेदर, लेकिन जो लाइंस होती थी वो सिर्फ और सिर्फ उनकी होती थी, और एक बेसिक जो आइडिया होता था कि ये इस तरह से होगा प्ले वो भी उनका होता, लेकिन आई थिंक हर यूनिकनेस वॉज इन हर लाइंस। Bad connection. I swear, my grade two ki teachers, kindergarten ki teachers, row every morning. My grandson is having a Zoom class in the morning, and that seems to be going on. I a connection. I feeling that there's a is the veins barsaton se bhi ye hota hai, barishain jab zyada ho jaye na to Punjab mein sorry mere net ko pata nahi kya bar bar abhi humara bada acha session chala aur usme koi connectivity ka issue nahi, I think it's the veins barishon ki wajah se bhi na ho jata hai is tarah se nahi aaya, aur main time aapko bahut saaf usme sun nahi pa rahi thi, प्लीज आप अपनी बात जारी रखिए, सॉरी मैं जी हाँ, जी शहनाज आप बात कर रही थी। हाँ बता, क्या पता नहीं मैं तो भूल भी गई, वो रिकॉर्ड हो गया होगा आपके पास, अब आप मुझसे कुछ और पूछें। अच्छा सर, अच्छा आप ये बताइए कि जब आप लोगों के प्लेस की शूटिंग हुआ करती थी तो क्या हसीना आपा खुद वहां पे मौजूद होती थी और आपकी डिस्कशंस बहुत हुआ करती थी कैरेक्टर्स के हवाले से? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बहुत कम होती थी, बहुत कम, बहुत कम उनकी, एक दफा जब वो दे देती थी ना अपना लिख के सेट करके, जो भी उनके और प्रोड्यूसर के बीच में होता था, जो डायरेक्टर होते थे, वो एक दफा दे दिया, उसके बाद बहुत कम वो आके, यानी कि होता है ना कि सुना है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आजकल मैंने सुना है कि बहुत से राइटर्स ऐसे हैं जो सर पे बैठे रहते हैं, सेट पे बैठे रहते हैं, या आई डोंट नो, हमने नहीं कभी देखा, बहुत रेयर, मुझे बल्कि याद भी नहीं है कि कभी वो सेट पे आई, अगर वो आई हैं तो वो ऑफिस में होती थी और ब्रेक अगर हमें होता तो हम जाके उनसे मिल लेते थे, लेकिन अब इतनी पुरानी बात हो गई है, लेकिन मुझे कभी नहीं याद कि वो आके कभी हमारे साथ आउटडोर में फिर रही हैं तो हमारे सरों पे बैठी नहीं आके, नहीं कभी भी, नॉट रियली। और आप लोग अपने कैरेक्टर्स को डिस्कस करते थे तो डायरेक्टर्स से किया करते थे बस, या उसका कुछ आइडिया? कैरेक्टर एक दफा जब कैरेक्टर के एक ओवरऑल किस तरह का होना है वो जब एक दफा हो जाता था तो उसके बाद फिर हमारे पे होता था कि हम उसको कैसे लेके चलते हैं, लेकिन सीन का कैसे होना है, सीन ये सीन की क्या वैल्यू है इस पूरे एपिसोड में, या क्या किस तरह से ये होगा, ये किस तरह से वर्कआउट टेक्निकली होगा, ये चीजें हमारे से डिस्कस होती थी, लेकिन हमारे भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे प्रोड्यूसर्स जो थे जैसे शहजाद साहब थे और शुएब थे, उन्होंने कभी एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं किया कि भाई अब ये नहीं कि कहते बाल की खाल निकालने वाली बात, ऐसे कभी नहीं किया, बस एक ओवरऑल उन्हें को पता होता था कि ये कैरेक्टर है और इसको लेके हमने चला। और आप जब उनसे मतलब देखकर वो कहती थी कि जो उन्होंने कंसीव किया था जो कैरेक्टर वो सेटिस्फाई होती, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली शी वाज हैप्पीएस्ट, अगर अगर ऐसी बात होती तो वो हमसे जरूर करती, मेरे से भी करती, मरीना से भी करती, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि शहनाज ये तुम क्या कर रही हो, ये तो नहीं मैंने ऐसे कंसीव किया था, कभी भी नहीं कहा, शी वाज वेरी हैप्पी विद व्हाट वी वर डूइंग, तो हम एक ही पेज पे थे आई गेस सारे।
मरीना कमिंग टू यू कि आपने तन्हाइयां आपका पहला प्ले था एक्टिंग के हवाले से? मेरा पहला सीरियल था जी, आई डिड अ लॉन्ग प्ले बिफोर दैट। अच्छा हाँ, तो मैं जो आपने शनाज से पूछा था ना कि who was fined were you, तो I was actually शहजाद खलील's fine। तो शहजाद साहब जब मेरे साथ वो किया था this one निशाने हैदर, after that हसीना आपा का तन्हाइयां came up and I remember he took out a scene from अनकही and he made me rehearse it and then I performed it for so I was basically playing Sana for Haseena Appa and Achha. I think he was not very happy if I'm not mistaken because I think us waqt she was probably she had her mind set for Huma Nawab if I'm not mistaken again abhi time ho gaya but I think after Tanhaiya then I went on and did like I think four more serials of her so I'm sure she was happy that she's insisted that I do Tanhaiya. मैं हसीना आपा के एक इंटरव्यू में बात सुन रही थी और रिसेंट इंटरव्यू था उनका, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने ड्रामों के जरिए 40 साल लगाए एक औरत को इंडिपेंडेंट करने में, और आपको मालूम ही है कि जब वो बीमार हुई तो वो थोड़ा सा अपने काम से साइड पर हो गई थी और उन्होंने काम नहीं उस वक्त लिखने का काम नहीं किया, तो वो खुद कहने लगी कि उन 4 सालों में पता नहीं जब मैंने उठकर टीवी लगा के देखा तो वो जो हमारी 40 साल की मेहनत की वो लड़की कहाँ चली गई, मैंने देखा तो ड्रामों में सिर्फ रोती हुई लड़कियां जो है वो मुझे नजर आई। आप भी क्या इत्तेफाक करती हैं इस चीज से जो बात हसीना आपा ने कही कि उन लोगों की जो मेहनत थी क्या इसलिए पूछ रही हूँ कि आप जो कि अभी भी मौजूद हैं ड्रामा इंडस्ट्री में और काम कर रही हैं। तो आई थिंक देखिए जब हम लोग काम कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं हसीना पर लिख रही होती हैं तो उस वक्त आप ये आई थिंक एज सच सोच नहीं रहे होते बिकॉज यू आर वर्किंग विद इन योर टाइम, यू आर वर्किंग विद इन द एरा दैट यू बिलोंग टू। तो वो जो था ना वो अच्छा एरा था, एजुकेशन वाज स्टिल अ ह्यूज पार्ट ऑफ हमारी जो क्या कहते हैं अपब्रिंगिंग एंड एवरीथिंग। आई थिंक सिंस आफ्टर जियाज एरा इवन दो सम ऑफ द बेस्ट प्लेज क्या कहते हैं वेंट ऑन ड्यूरिंग जियाज टाइम बट आफ्टर दैट आई थिंक तालिबानाइजेशन एंड एवरीथिंग एंड आई थिंक हमारी जो डाउनफॉल शुरू हुई एंड आवर इंस्टीट्यूशंस हैव सॉर्ट ऑफ फिनिश्ड, उसके बाद से आई थिंक हमारी जो खवातीन की जो कैरेक्टर्स हैं दे समहाउ द अदर बिकेम अ विक्टिम एंड आल्सो सिंस द रेटिंग सिस्टम केम इनटू आवर लाइव्स द रेटिंग समहाउ डिक्टेट्स एवरी ड्रामा। दे आर फ्यू प्रोड्यूसर्स आउट देयर जो अभी भी एक चांस लेते हैं वो रेटिंग्स नहीं आती बट देन एवेंचुअली उनको इस किस्म का ड्रामा दोबारा बनाना पड़ता है। तो यस एक वे से उनकी मेहनत तो अभी भी मैं कहती हूँ इज स्टिल देयर एंड आई थिंक वी कैन गिवन अ चांस वी कैन स्टिल गेट बैक ऑन टू दैट हॉर्स बट द सराउंडिंग एंड द सिचुएशन दैट सराउंड्स अस वो इजाजत नहीं देती एंड ऑल्सो समहाउ द अदर जो you know lines and like Shanaz said now that her strong point you know the Urdu the language you know what we used to say and when we used to say it we felt something while saying it abhi to hum bas line you know ek waise phenk rahe hote hain because na lines ki construction and meri Urdu bahut buri hai to maafi chahti hu ki agar koi bura mane lekin lines ki construction sahi nahi hai jo baat कही जा रही है आप रिपीट करते जा रहे हो करते जा रहे हो सो बट इन अ नटशेल यस। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि उनकी मेहनत जाया गई है बिकॉज अभी तक उनके ड्रामे जो है ना आर बीइंग वॉच्ड एंड इट अमेजेज मी दैट यू नो बच्चा हैज कम अप टू यू एंड यू नो आस्क यू इफ यू वर द सेम पर्सन हु वाज इन तन्हाइयां। सो मैं ये मैं
जी मैं YouTube पे देख रही होती हूँ, उनके ड्रामे बहुत ज्यादा देखे जा रहे होते हैं, बहुत तारीफें भी की जा रही होती है, और अब तक की नस्ल जो है वो उसको देख रही होती है। शहनाज, आपने उनको अपनी जाती, आपका उनसे बहुत ताल्लुक रहा, जाती भी रहा, आपने दो ड्रामे उनके किए, उसके बाद आप ड्रामे से हट गई, आपकी जाहिर जाती वजूहात रही होंगी, तो उसके बाद आपका जो ताल्लुक रहा हसीना आपा से, जाती तौर पर आपने उनको कैसा पाया? मेरे साथ उनका बड़ा प्यार था, उनका भी मेरे साथ बहुत प्यार था, जैसे आई एम श्योर उनका अपनी सारी जो उनकी एक्ट्रेसेस हैं या उनकी हीरोइंस रही हैं उनके साथ उनका अपनी एक अटैचमेंट है, बिकॉज डोंट फॉरगेट वी वर एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट शी वाज, ठीक है ना जी। अब धूप के नारे ले लें, मरीना का या उसका नीलोफर अलीम के ले लें, वो हम सब जो थे हम उनकी जबान बोलते थे, वी वर एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट शी हैड इन हर हार्ट, तो जाहिर है हमसे प्यार ही हो रहा है ना, जैसे आप एक औलाद से करते हैं। तो मेरे साथ पर ये था कि जब भी आती थी लाहौर तो मुझे फोन कर देती थी, मैं उनको पिक कर लेती थी या मुझे बुला लेती थी और हम इकट्ठे बैठते थे, और जो वो कहती थी मैं कहती थी जी, वो कहती थी ये कर लो यहाँ पे मेरे साथ प्रोग्राम पे चलो, मैं चली जाती थी, वो कहती थी वो कर लो, मैं उनके साथ, मैं उनको ना नहीं करती थी कभी भी, ठीक है ना। और ये वाला जो प्रोग्राम मैं आपके लिए कर रही हूँ ना, ये दिस इज माय लास्ट, बिकॉज मैं इस तरह के कोई चार कर चुकी हूँ और अब वो नहीं है हमारे साथ, एंड आई एम श्योर मैं अगर उनको कहती ना जीना आप मुझे बहुत ज्यादा बुलवा रहे हैं, नहीं खाने, तो उन्होंने कहना था ठीक है मत करो बच्चे इसके बाद। तो इस तरह का मेरा उनके साथ रिलेशनशिप था, और उनका अपना एक हम सबके साथ एक बहुत इंटीमेट एक और लेवल, ये नहीं कि इंटीमेट का मतलब है रोज फोन हो रहा है बातें हो रही है, नहीं, एक आप रिलेट करते हैं ना जब किसी के साथ, तो उस तरह की एक उनके उनका हमारे साथ और हमारा जाहिर है उनके साथ। बिल्कुल मरीना, आपका ड्रामा धूप किनारे 87 में आया, और जाहिर है कि बिल्कुल बाकी के ड्रामों की तरह ये भी बहुत ज्यादा मकबूल हुआ। आपको क्या लगता है कि मैं एक YouTube को देखते हुए देख रही थी कि एक किसी ने नीचे कमेंट लिखा हुआ था कि हम हर साल ये ड्रामा देखते हैं, तो क्या चीज आपको लगता है उसमें ऐसी अपीलिंग थी जो अभी तक लोग उसको देख रहे होते हैं उतने ही शौक से? उसकी कैरेक्टराइजेशन आपके ख्याल में बहुत स्ट्रांग थी, या जैसे शहनाज ने कहा कि डायलॉग्स स्ट्रांग थे? अच्छा एक छोटी सी बात, मैंने एक दफा हसीना आपा से पूछा कि हसीना आपा आपके एक दो ड्रामों में मैंने देखा है कि आपकी बहुत ज्यादा हीरोइंस की या हीरोज की अटैचमेंट नजर आती है घरों से, तो क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा घर रहा है जिससे आपकी कोई सेंटिमेंटल आपकी अटैचमेंट रही हुई हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई घर तो नहीं था, लेकिन एक दफा मैं राहत काजमी और साहिरा के साथ मरी गई, तो वहां पे मुझे राहत काजमी ने एक घर दिखाया, और वो रॉक्स का बना हुआ और पत्थरों का बना हुआ घर था, और हम वहां गए और उन्होंने मुझे दिखाया और कहा कि चलो हसीना तुम बैठो और इस घर पे कहानी लिखो। तो वहां पर मेरे जहन में धूप किनारे का जो था थोड़ा सा आइडिया आया, लेकिन पूरी कहानी मैंने उस वक्त नहीं बनाई, और मैंने वो घर का एक जो कॉन्सेप्ट था जैसे उस ड्रामे में भी दिखाते हैं कि वो जो नाना का घर है उससे अटैचमेंट दिखाई है। तो क्या चीज आपको लगता है कि उसके कैरेक्टर्स, उसके डायलॉग्स, क्या चीज बहुत अपीलिंग थी? जो मुझे फीडबैक हमेशा मिलता है वो है इस रोमांस, द रोमांस वाज सो प्योर एंड इट वाज सो इनोसेंट एंड इट वाज सो क्लीन। I think that's what even in India people जो थे ना वो उनको ये लगा, because obviously उनको तो फिल्मों की ज़्यादातर आदत थी, and फिल्मों में it's you know the romance is a little different too. So I think there was a purity you know about her scripts, but also as Shehnaaz said that we mustn't forget the directors have a very important role for the success, or sometimes you know you can have a wonderful script. But if you get a bad director, तो वो खराब भी कर सकता है। तो it was जैसे उनकी जैसे वो जो सीरियल थी धुंध, हाँ, it bombed because she had a weak director with her. तो इस तरह के जब भी उन्होंने weak directors के साथ काम किया है, they have never been able to कभी भी उनकी उस चीज को समझ नहीं सके, हसीना को नहीं समझ सके, अल्लाह ही जानता है क्या हुआ, लेकिन वो किसी को याद ही नहीं है, वो सीरियल्स चले पाएगा और किसी को याद ही नहीं। So I think Dhoop Kinare also a lot of credit has to go to Saira Kazmi for because dekhiye aapko script to milta hai and
And when you get a strong script, right? So she had the script, she had the characters. अब उनको वो मोल्ड कैसे करती है, उनको दिखाती कैसे है, हाउ ट्रू टू यू स्टे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वो दे डोंट स्टे ट्रू टू द स्क्रिप्ट ऑल्सो, लॉट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, वो अपना भी थोड़ा सा यू नो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक टू यूज द कैमरा इन अ सर्टन वे, अब वो स्टोरी डिमांड नहीं करती लेकिन आप कर लेते हो. सो आई थिंक ओवरऑल जो मुझे लगता है कि देर वॉज यू नो देर वॉज ए हर प्लेज अ वेरी रोमांटिक and they were very clean, you know, there was nothing. Families used to sit and watch the, ab aap families ke sath baith ke bahut sare plays nahi dekh sakte, meaning main dialogues apne padh rahi hoti hu aur main kehti hu ki sorry main ye nahi keh sakti, I am promoting things, you know, playing a character which is killing me, but obviously I've accepted that. So I think that is what I think Dhoop Kinare, and of course I think, you know, Rahat Kazmi just, you know, I think killed the character. I mean, he did such an amazing job of being this older person. And I remember a lady asked me, she was from India, she was a journalist, long time ago, ke India mein to Rahat Kazmi is a sex symbol, aap kya samay to hil gayi na, wo loves you, because you know hamare yahan to bilkul bhi na, we don't think of our heroes, or you know, like it was just so strange when someone said that. So I think there was something about her writing or her dialogues that had a purity to it, and I think that is what people used to really love about, I think, or look forward to, ki we are going to, meaning comedy bhi utna maze ka likhti thi, kya kehte hain, or romance bhi, so you'd get this romantic comedy ka, you know, this perfect combination through her. Ji bilkul, jaise aapne baat ki na romance ki, to aap keh le ke unke drama dekhkar hamare bhi jo humne apne emotions ko groom kiya hai ki kis tarah se ek cheez ko आप अपनी फीलिंग्स का इजहार कैसे करते हैं. और जैसे आपने अभी कॉमेडी की बात की, उनके ड्रामों में कॉमेडी हुआ करती थी और वो कैरेक्टर्स के थ्रू वो लेकर आती थी. तकरीबन उनके सभी ड्रामों में कोई ना कोई एक कैरेक्टर ऐसा मौजूद होता था. शहनाज साहिबा पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने अनकही के हवाले से बात करना चाह रही थी. चले हम बात करते, जैसे आप जैसे धूप किनारे के हवाले से ही हम बात करें, तो उसमें साजिद हसन का कैरेक्टर बड़ा अच्छा मजेदार सा था, बातें और शायरी. और देखिए उस इस तरह के जो कॉमिक कैरेक्टर थे, इवन उनके भी जो डायलॉग्स हुआ करते थे वो बड़े मतलब उसमें शायरी उनमें शामिल थी. तो वो ऐसे नहीं थे कि जी जैसे होते हैं क्या उनको कहना चाहिए, फक्कड़ किस्म की बातें करने वाले, बड़ी क्लास की बात करने वाले, और वो कॉमेडी उनके उसमें मौजूद होती थी. अनकही के कैरेक्टर्स आप देख लें, अनकही में जैसे मुझे याद है कि सलीम नासिर साहब का बहुत अच्छा कैरेक्टर था. और फिर उसमें जैसे उन्होंने कैरेक्टर्स लिए हुए थे, हमारे जो सोशल छोटी छोटी सी बातें होती हैं, जो हमारे बिहेवियर्स हैं, मसलन आपको याद होगा कि उसमें बदर खलील साहिबा ने खाला का रोल किया था, और वो उनको सब उनके, चूंकि वो बड़ा अपने आप को जाहिर चीज़ों के ऊपर जा रही होती थी, तो उनको अंग्रेजी खाला कहा जाता था. वो छोटी छोटी बातें जिनसे कोई भी देखने वाला अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है, रिलेट कर सकता है, उनके स्क्रिप्ट में वो चीज़ें मौजूद हुआ करती थी. तो you know the cat, I think in kehte and kahi dusra uncle Urfi, if you remember uncle Urfi ji, bilkul characters the, oh my god, and each one of them so amazing, so fantastic. But yehi na ki characterization jo thi na, these are solid characters. So jab aapka ek aapko ek artist ko jab is kisam ki line milti hai ya aisa kuch milta hai, then there is so much you can add to that character, or aap banate hain us character ko. Ab to ek flat si cheez likhi jati hai aur ek hi zuban likhi jati hai, aur har yahan each character used to, she had a different language for every character, you know, that person had a way of and then of course, you know, we had Jamshed Ansari, Behro Sabzwari, we ka Qazi Wajid, who, you know, just took it to another level. But but the comedy was not just through these characters, it was through your lead characters also, you know, it was through the girls, there was so much comedy
happening through the girls, but it was a very, it was a straight up comedy. It wasn't like laugh out loud nahi tha, lekin they were sort of, they used to help also the comedians, you know, wo hota na ki lines aap ek dusre ko feed karte hai na, so that is what was so I think lovely about her, that she, it was just very normal, meaning hum bhool jate hain, hum aaj kal jo likhte hain hum bhool jate hain ki agar rona hai to sirf rote nahi hai log, aur agar haste hain to sirf haste nahi hai log. आप किसी की जो व्हेन यू गो टू अफसोस करने, आप किसी के घर जाते हैं, आपको अपने पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं, आपको लोग वहां आपके मुंह पे स्माइल आती है, वहां आप यू नो हंसते हैं, लोगों से मिलते हैं, सो दिस इज सो मच पार्ट ऑफ योर लाइफ, स्माइलिंग, सेइंग हेलो, क्राइंग, यू नो, सो दैट इज व्हाट शी रोट. शी रोट वेरी डाउन टू अर्थ solid characters, and फिर उनको portray करना जो है, you get a, you know, I'm not including myself in this at all, but you get good actors and you know they take it to another level. अच्छा, एक उनके plays में जो एक बहुत नुमाया बात दिखाई जाती थी, आप शायद इत्तेफाक करेंगी इससे, कि उसमें अगर लड़की को दिखाया जा रहा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट है, लेकिन साथ ही दिखाया जाता था कि वो अपनी फैमिली से बहुत जुड़ी हुई है, वो अपनी फैमिली से हटकर वो सारे काम नहीं कर रही है, वो अपनी फैमिली को साथ लेकर चल रही है, तो ये बड़ा उनका एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन हुआ करता था. दूसरा, फिर उन ड्रामों में बहुत से और रिश्ते दिखाए जाते थे, खाला का रिश्ता है, खालू का रिश्ता है, इवन जो घर में आपको पाल रहे हैं, बीबी का किरदार है, और भी बहुत इस तरह के कैरेक्टर्स उनके ड्रामों में नजर आते हैं, जो जो कह लें कि जो ड्रामे के स्क्रिप्ट में ऐड भी करते हैं, और आजकल के ड्रामों की तरह नहीं कि अगर खाला या फुप्पी को दिखाया जा रहा है तो वो अजीब साजिशी किस्म की खवातीन हैं, भाई ये नॉर्मल लोग हैं जो जिनसे आप इख्तलाफ भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, जैसे आपने भी बात की कि आप रोते भी हैं, आप हंसते भी हैं, सब कुछ चल रहा होता है साथ साथ आपके. It was everyday life. It was that. I think that was the thing that was so relatable. Okay, it was every. It was everyone's life. Somebody or the other must have gone through something जो उन्होंने लिखा होगा, you know, कि वो situation या you know कोई ऐसी चीज. So it was everyday life के आपको अपनी you know like आजकल तो आप जब कोई कैरेक्टर पढ़ते हैं अब आप सोचते हैं इसको कैसे करें, बट वो इतना वन डायमेंशनल होता है कि बिकॉज हम ट्रेंड एक्टर्स तो नहीं है ना, मीनिंग हम तो शहजाद साहब से ही सीखा है, अपने डायरेक्टर से सीखा, तो उसको अब आप कैसे करें, बिकॉज उसमें कुछ है नहीं, उसमें कुछ नहीं है कि आप उसको बना सकें कुछ. So she just had an amazing ability to, you know, write these, you know, so I mean, एक dimension भी नहीं था ना इनमें. आप देख Shehnaz's character in तन्हाइयां was quite carefree शुरू में, और फिर इतना संजीदा, you know, एक 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 graph आया ना, एक एक पूरा with what did I just do? So sorry, I've touched something. आप बात कीजिए, आपकी आवाज हम सुन सकते हैं. तो मैं कह रही हूँ कि वो इतना एक एक ग्राफ्ट आता है ना कि उसमें सो देयर इज एक जिसे कहते हैं ना एबिलिटी टू टेक समथिंग फ्रॉम समवेयर. अभी तो इट्स जस्ट नॉट देयर. आई मीन अभी मैं कहती हूँ कि दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रोमांस, ऑफ गुड लिटरेचर, ऑफ ट्रेजेडी, ऑफ कॉमेडी, आई थिंक मोहम्मद अहमद ही मेरे माइंड में आते हैं अगर वो लिख सकते, और वो लिखते नहीं है बिकॉज नो एक्सेप्ट नहीं होता इस किस्म का यू नो ड्रामा आजकल, बिकॉज वो रेटिंग कहती है कि नहीं आपको औरतों को मारना है तो वो मारते हैं. और हसीना अपा ने भी सोशल इश्यूज पर लिखा, जैसे उनका ड्रामा आहट था, आपको याद होगा सानिया सईद ने रोल किया था, जो लड़कियों की पैदाइश के मसले पर था, और बड़ा अच्छा उन्होंने उसको दिखाया, और
मतलब एक संजीदा इशू है जो हमारे माशरे में अब तक लोग इस चीज को कर मतलब इसका इसको मसला बनाया हुआ है। वो खुद बताती थी कि मैं चौथी बेटी थी और जब मैं पैदा हुई तो मेरी नानी ने कहा कि लो फिर बेटी आ गई। हाँ। तो मेरे वालिद ने उनको टोका और कहा कि रहती है बेटी, और मिठाई मंगवा के बंटवाई और कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब वो सारी चीजें उनकी अपनी लाइफ के मुशाहिदात थे उनके, जो उन्होंने ड्रामे में अपने स्क्रिप्ट में यूज किए थे। और जैसे वो बहुत से कैरेक्टर्स के बारे में भी कहती थी कि मैं आसपास देखा करती थी, मेरे कजन था, मैंने उनका कैरेक्टर उस एक ड्रामे में डाला हुआ था। और मरीना, आप क्या समझती है कि हम कैसे, क्या ये पॉसिबल है? मैं आपसे ये बात इसलिए पूछ रही हूँ कि चूंकि आप अभी भी ड्रामों में काम कर रही हैं, और हम कैसे हसीना आपा के लेवल की चीजों को रिवाइव कर सकते हैं, या कह लें कि हम अपने सोसाइटी में दोबारा से, क्यों नहीं हमारे यहाँ इन चीजों को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता? मतलब वो तो अच्छी चीजें हैं, क्या हम बुरी चीज देखने के लोग आदि हो गए? देखिए, जब चैनल वाला आपको कहता है कि जी रेटिंग इस ड्रामे की आ रही है, और वो जब आप ड्रामा देखते हैं और आप कहते हैं कि क्यों आई है इस ड्रामे की रेटिंग, तो आपको खुद समझ आ जानी चाहिए कि भाई दिस इज, इफ दिस इज व्हाट पीपल आर वांटिंग, दिस इज व्हाट, देखिए एंड ऑफ द डे चैनल्स आर देयर टू डू बिजनेस, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनको पैसा कमाना है, उनको कमर्शियल्स चलाने हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि वो आपने जो रेटिंग का सिस्टम है या जो पीपल्स मीटर है या जो भी चीज़ है, वो आपने इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ। आपने हैवी जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी है वहाँ आपने ज़्यादा मीटर्स अगर डाल दिए हैं, और ए एंड बी क्लासेस को आपने वहाँ कम डाले हुए हैं, और सी डी और ई को ज़्यादा डाले हुए हैं। सी डी एंड ई, दिस इज़ व्हाट दे वॉन्ट टू सी एंड दोज आर योर मेन ड्रामा वॉचर्स, तो फिर आप क्या कैसे लड़ सकते हैं इससे? अच्छा, फिर अगर हम बात करते हैं द क्वालिटी ऑफ राइटिंग इज गोइंग टू कम व्हेन यू नो उर्दू लिटरेचर कम्स बैक टू आवर कंट्री, वी जस्ट लॉस्ट इट। आई एम नॉट एन उर्दू दान फ्रॉम एनी रिस्पेक्ट, मैं बिल्कुल कुछ क्लेम नहीं करती, लेकिन बिकॉज जो काम कर चुके हैं उससे अगर मैं कंपेयर करती हूँ, तो मुझे तो यही लग रहा है कि हम अब एक पढ़ी लिखी नेशन, स्पेशली अपने लिटरेचर में हम नहीं रहे। ना आता है बिल्कुल, लेकिन देखिए सिर्फ लिखना नहीं होता आपके साथ, when you read her scripts, there's depth to it, right? There's a depth in the characters, there is history, there is examples of you know, maybe World War III का कोई example आ जाएगा या कहीं और का कोई example आ जाएगा, meaning के आपको दुनिया के बारे में, हमारे हमारे उनका क्या नाम था, there used to be a script editor, Shinaz, can you remember his name? What was his name? तो scripts जब के पास जाते थे, he was a gentleman who knew Russian literature, he knew English literature, he knew Urdu literature. So if any writer made some kind of a mistake, so these were the steps that were taken before a play came on air. अब हम first drafts पे काम कर रहे होते हैं, meaning वो उसने लिखा और हम, it's like vomiting. We are literally vomiting our plays out. उसमें से बाज चल जाते हैं, बाज नहीं चलते. Glamour has become a huge part of it. So this is a government level, this is a nation level, कि जब तक आप education और जब आप इन चीजों को importance दोबारा नहीं देंगे, मेरी lifetime में तो मुझे इतना change नहीं नजर आएगा. अभी there are a couple of plays on right now, like maybe one or two, which are really nice. Again, maza aata hai sunne mein. Lines are good, the dialogue is good, the situation is good, characterization is good. But wo ek do plays hain. And phir aap logon se poochte, kehte hain, haan, uski to rating nahi aa rahi. You know, this is the reality and the sadness of our industry right now. शहनाज, आप वापस आ चुकी हुई हैं, तो आपसे मैं बात करूंगी थोड़ी सी ड्रामा अनकही के हवाले से. जैसे अभी मरीना बात कर रही थी कि धूप किनारे में भी जो उसकी मकबूलियत का जो एक बड़ा एलिमेंट था वो रोमांस का था, तो अनकही ड्रामे में भी हमें वो रोमांस भी नज़र आता है और वो उसमें एक कॉमेडी का पहलू भी नज़र आता है. और आपका वो पहला ड्रामा था, और आपने उस ड्रामे में
मतलब मुझे इस तरह से याद है कि हमारे वो स्कूल एज का जमाना था और उस वक्त हम जब वो ड्रामा देखा करते थे तो आप जब उस दिन उस वक्त बात करी थी ना कि हम पीछे की हीरोइनों को भूल नहीं सकते, तो एक्चुअली जो शहजोरी और किरण कहानी की हीरोइनें थीं, जाहिर है वो उस जमाने के जो लोग हैं वो उनसे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर अपने ज़माने के लोगों की बात करूं तो हमारा एक्चुअली टाइम पीरियड वो बनता है कि जिसमें हमारे सामने सना आई, ज़ारा आई या डॉक्टर खान आई, तो हम उनसे रिलेट कर पाते हैं, इसलिए मैं इन आप लोगों की बात जो है वो ज्यादा कर रही हूँ। तो और इस वक्त फेसबुक पे लाइव आपको देख भी वही लोग ज्यादा रहे हैं जो उस एरा के लोग हैं जो धक्के मार मार के हम जगह बनाया करते थे कि किस तरह से हम तन्हाइयां की किस जो है हॉस्टल में अगर वो आ रही है तो हमें जगह मिल जाए, हम वो मिस ना करें। तो अनकही का जो तजुर्बा था वो आपका कैसा रहा था? ऑडियो आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही शहनाज। आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, अब आ रही है। मेरे लिए जो है ना, सच्ची बात में बताओ, मेरे लिए तो अनकही वाज जस्ट फन। छुट्टी पे गई हुई थी मैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी से हाँ, तो कुछ गर्मियां थी, एवी घर में फकलों पे आए हुए थे तो प्ले कर ली, दैट वाज इट। ना ज्यादा सोचा इस पे, ना कुछ दिमाग पे इस पे कोई बोझ नहीं, और फिर जो पूरा माहौल था वहां का वो भी वाज अ लॉट ऑफ फन। और दैट वाज इट। कोई इसमें आप लोगों को लगता है जैसे पता नहीं कितना रॉकेट साइंस उस पे लगा होगा टू प्रोड्यूस समथिंग लाइक दैट, देयर वाज नथिंग अगर बताऊं। और आई थिंक मेरे हिसाब से अगर बरीना इफ शी एग्रीज विद मी के उसके लिए भी तन्हाइया वाज द सेम, कि कोई इसमें कोई जैसे कोई बोझ लेके हम नहीं चल रहे थे कि हमारे सर पे कोई बोझ है कि हमने कोई प्ले हमने सीरियल करना है और कोई कुछ करना है, तो माहौल भी इस तरह नहीं था। आई डोंट नो, इट वाज लाइक बस सारा दिन हमें तो यही याद है हासे मजाक में ही हो गया लिटरल, बस एक ही टेंशन होती थी कि बस लाइनें हम अपनी किसी तरह कम करा लें ताकि जल्दी से बोले और फारिग हो और फिर गप्पे मारे बैठ के। तो ये इट वाज, ये कोई इस तरह की चीज आई डोंट नो, मुझे तो नहीं कभी थी। दोनों दफा फॉर मी इट बिकेम फैमिली। आई मीन एक तो मेरे लिए दिस न्यू वर्ल्ड ओपन, और मुझे याद है कि by later on one was just calling, at least I was calling everyone by their character's name rather than the but absolutely right Shahnaz, it मैं तो मैंने तो अपने आप को शहजाद साहब के हवाले किया हुआ था, वो जो कहते थे आप करते थे, because उस वक्त ये था कि आपको लाइनें याद होनी चाहिए और आपको टाइम पे आना है, ये दो चीजें होती। दीज आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, यू हैव टू नो योर लाइंस। ये नहीं कि आप स्टूडियो में जाए, तीन दफा स्टूडियो से बाहर निकाल दिया गया कि लाइनें क्यों नहीं याद, गो। अच्छा। सो इट बिकॉज लाइक आई सेड प्रोफेशनलिज्म मोस्ट उस टाइम थी। मुझे जब मैंने कहा, अच्छा मैंने जब ये सारी अपनी जब लाइंस देखी ना पहली दफा, तो मैंने कहा ये मुझे अपनी लाइनें ये सारी याद करनी पड़ेंगी, तो मुझे आई डोंट नो, आई थिंक शोएब ने कहा या हसीना ने, दोनों हम लोग, क्योंकि जब पहली रीडिंग थी, कहते नहीं एक्चुअली तुम्हें सबकी लाइनें याद करनी पड़ेंगी। मैं कहा ये क्या बात, कहते तो तुम्हें किस तरह पता लगेगा कि तुमने कब बोलना है। एंड दिस इज आई हैव ऑलवेज टोल्ड माय स्टूडेंट्स, जिनके साथ मैं थिएटर कराती रही हूँ फॉर द लास्ट 22-23 ईयर्स, जब मेरे पास उनके पास जब आते हैं ना, तो अपने जब लेकर आते हैं ना कि अच्छा तो फिर मैम वी हैव टू लर्न आवर लाइंस, मैं कहती नो यू हैव टू लर्न द होल स्क्रिप्ट। क्यों? Because next, yeah. I will know, okay, आपने कब कौन सी कब बोलना है, अगले की लाइन का पता होगा तो आप बोलेंगे ना। आजकल तो एक कैमरा लगा हुआ है भाई, फ्लोट करते हुए आते हैं लोग अंदर, सुना है, और बस कैमरे में आगे आई थिंक कुछ लोगों ने तो डमीज भी लगाई है कि अपनी लाइनें बोली। अच्छा एक्सक्यूज भी, अच्छा देखिए मैम मुझे फोन आया इस तरह कि मैम आप ऐसे करें, हमारे ये हम सीरियल शुरू कर रहे हैं, आप आके प्ले कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा कैसे कैसे प्ले कर रहे हैं? ओ मैं कहा नहीं नहीं मैं टाइम नहीं, नहीं मैम आपका सिर्फ 3 दिन का काम है। अच्छा तो कितने एपिसोड्स हैं? जी 40 एपिसोड्स हैं। तो मेरा 3 दिन का काम कैसे? नहीं नहीं हम आपके सारी लाइन अच्छी बुलवा लेंगे और फिर आपको हम और तो तो भाई देखे जी, अब तो ये सारी चीजें जो है ये अब आपका टूथपेस्ट वाले, आपके ये चाय वाले, दूध वाले, मोबाइल्स वाले, ये डिसाइड करते हैं कि प्ले कौन सा होगा, उसमें कौन सी हीरोइंस होंगी,
वो कैसे होगा, उसमें एक एक कैरेक्टर वो डिसाइड करते हैं, डायरेक्टर कौन होगा, हर चीज वो डिसाइड करते हैं क्योंकि पैसा वो लगा रहे हैं। तो सेट का काम है बस देख लें, पर चल रहा है। और मतलब अगर ये चीजें ऐसे ही चलती रही तो हमने कहाँ जाकर फिर रुकना है? ये हमारी सिर्फ बात नहीं है, ये भी हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस की बात है। हमारे जो फ्लाइट के जहाज हैं, हम जनाब पीआई का टिकट लेके जाते हैं, जब देखते हैं तो पीआई की जगह वहाँ वियतनाम का जहाज खड़ा होता है और हमारे पास पीआई का टिकट होता है कि जी ये जहाज है, हमारे तो जहाज भी खत्म हो गए। तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस पूरा क्रम्बलिंग जो शुरू होती है ना, जैसे दीमक अंदर से लग गई है, उसको ऐसे टच करें तो वो घूर के हाथ में आ जाता। क्या इंस्टीट्यूशंस, क्या आपके हर इदारा जो आपका सरकारी है वो खत्म, और उसको बड़ा सिस्टमैटिकली खत्म मेरे ख्याल में किया गया है ताकि ये जो मशरूम्स हुए, देखिए जी स्कूल हमारे सरकारी गंदे हैं, क्यों गंदे हैं, क्यों प्राइवेट स्कूल्स इतने पैसे ले रहे हैं, फलाना क्यों ले रहे हैं, भाई वो इसलिए वहां पर है प्राइवेट स्कूल्स क्योंकि सरकार ने अपना काम नहीं किया हुआ। करे ना सरकार अपनी जगह अपने उसको जो करना चाहिए वो नहीं किया, जब वो खाना एक वहां वैक्यूम बनता है तो वहां पे जाहिर है प्राइवेट सेक्टर्स आ जाते हैं, इसी तरह आपके चैनल्स आ गए, सब कुछ आ गया क्योंकि आपने उसपे खत्म कर दिया ना। आपने अब एक काम कि आप एक चीज को आगे लेके जाने के बजाय कि भाई आप एक अपने गवर्नमेंट स्कूल्स का मियार बेहतर करने के लिए आप कॉपी करें प्राइवेट स्कूल्स को, या उनको ये ठेका दे दें वो तो फ्री में कर देंगे कि भाई हमारे स्कूल को ठीक कर दो, नहीं उनको कह रहे हैं कि तुम लोग भी अपने आप को और पीछे ले जाओ। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि क्या कह रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी को कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि जब आपने नए सिस्टम से कोई भी चीज पढ़ानी होती है तो उसके लिए सबसे पहले आपको टीचर्स को एजुकेट करना पड़ता है भाई कि टीचर्स को आता है वो पढ़ाना कि नहीं आता। जब टीचर्स को नहीं पढ़ाना आता तो उन्होंने आगे क्या पढ़ाना है, वो कर नहीं सकते नहीं। तो बैठ के कह देते हैं ये कर दो तो वो कर दो, फलाना कर दो आपको आप हम। मैं जब लास्ट गई हूँ, मरीना मेरे साथ थी जब हमने ये स्टार एंड स्टाइल किया था पाकिस्तान टेलीविजन में जाके, मैं तो मुझे लग रहा था मैं किसी अल्लाह माफी किसी कब्रिस्तान में एंटर हूँ, लाइक अ ग्रेवयार्ड जो हाल इन्होंने कर दिया है एक इंस्टीट्यूशन, आई मीन अनबिलीवेबल। ढेरों लोग बैठे हुए हैं जो आते ही नहीं है दफ्तर, घरों में बैठ के जी उनको तनख्वाहें मिल रही है एंड दैट्स इट। और ये हर जगह आपको भी पता है, आप कोई ऐसे तो नहीं होंगे, यू नॉट एयर ऑफ दिस, जाहिर है आपको पता है बिल्कुल क्या बिल्कुल। ये तो बड़ी कह लें कि ओपन सीक्रेट्स हैं जो आप बात कर रही हैं। मरीना, आपने हसीना मोइन का एक ड्रामा डायरेक्ट किया तन्हाइयां नए सिलसिले, तो आपका कैसा क्या तजर्बा रहा? It was very daunting, obviously, because डर बहुत था। और वही वाली बात है कि जो the new actors का वो जज्बा जो हम लोगों में था या हम जिस तरीके से काम करते थे वो जरा सा कम था, but otherwise by and large I think अगर मुझे दोबारा चांस मिलता मैं थोड़ा डिफरेंट करती। I think it was something that just happened and at the end of the day वही वाली बात होती है कि आप कभी प्रिपेयर्ड नहीं होते ना किसी चीज के लिए। But I definitely would have done it slightly differently. आपने खुद डिसाइड किया था या हसीना आपा ने आपसे कहा था इसको डायरेक्ट करने के लिए? एक मीडिया बाइंग कंपनी है जो I never know the group ka jo naam hai Alpers ka jo I don't get their name. They were the people who, because again through social media, through all of that, they realized ke this is very watched. So they basically wanted us initially for us to play all the older characters, you know, like me and Shanaz and for us to play the older characters and क्या कहते हैं and do the exact same story. मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल होगा और नहीं हो सकता because you know that is something that it will take away from, because I think
all the actors in their roles have become so iconic ke agar aap unko suddenly you know main Ani play kar rahi hu aur you know Shinaz kuch aur play kar rahi hai aur Behrooz kuch kar raha hai to wo nahi banta so usse humne kaha ke phir you know let's just take it from that 5 years 10 years 15 years later jo hamari ages hain उसको रख के फिर हम कहानी लिखते हैं उसका हसीना आपा ऑलरेडी हैड बीन अप्रोच्ड बाय दिस बाय द कंपनी मेरा ख्याल है कि जो उस ड्रामे के जो कैरेक्टर्स थे वो अभी तक असल में हमारे ज़हन में इतने फ्रेश मौजूद हैं कि अभी शायद हमारे लिए इट्स टू अर्ली कि हम उसका सीक्वल देखें और हम किसी और को उनकी जगहों पे देखकर एक्सेप्ट कर सकें मेरा तो यही ख्याल है आप लोगों की बातें सुनकर अच्छा लगा सीना आपा के हवाले से भी ड्रामे के हवाले से भी आपके अपने हवाले से भी किसी वक्त इंशाल्लाह हम अलैदा आपसे भी बात करना चाहेंगे अगर शहनाज मानेंगी कि हम उनके हवाले से बात करें और हम उनके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं लेकिन चूंकि हमारा ये प्रोग्राम हसीना आपा को याद करने के लिए ही था और मुझे ये लगता है आप मिसबा से भी बात करें बिकॉज मिसबा वाज डायरेक्टिंग द लास्ट सीरियल विथ हर अभी या शी डूइंग अ सीरियल विथ हर जी हसीना आपा वाज डूइंग वन एंड दैट होल थिंग शी वाज सो ब्रोकन बिकॉज शी यू नो शी मेट हर लाइक 3 डेज अगो और समथिंग लाइक दैट इट वाज सो दैट शी विल हैव सम You know, because they were all up north and they were spending time together. So she'll have very recent memories of Hasina Appa. मुझे एक जो थोड़ी सी जो मुझे एक बात और लगती है ना कि इतने लोग हसीना इनके बारे में लिख रहे हैं बात कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं but only and only as a writer. Yeah. Nobody has bothered to go in a little more deeper or the side जो उनकी अपनी एक life थी अपनी एक personal life थी कि ये जो उनका जो सारे का सारा जो ये रोमांस था और हर स्टेइंग सिंगल ऑल हर लाइफ ये सब चीजें कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया किसी ने जानने की नहीं कोशिश की कि क्या वजूहत हो सकती थी या क्यों आई मीन यू स्पेकुलेशन तो होती हैं हर बड़े राइटर के बारे में जिसका नहीं है लेकिन वो कोई बात नहीं करता जो कि मुझे बहुत सी उनकी ये चीज है कि ये बड़ा सुपरफिशियली अच्छा ये ड्रामा किया वो किया उसके बारे में ये बात कर लो वो बात कर लो मरीना को बुला लो शनाज को बुला लो फलाने को बुला लो लेकिन अबाउट हर रियल लाइफ व्हाट शी रियली वाज नोबडी वांट्स टू नो दैट एंड नोबडी किसी ने सोचा भी नहीं है कि उधर और ये एक दिस अ वेरी सैड थिंग कि अगर आप लोग इससे बियॉन्ड उनके बारे में नहीं देख सकते टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड दिस आई एम सेइंग फॉर ऑल दोस who are die-hard Hasina Moin fans and जो उनके लिए इतना कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं लेकिन उधर कोई बात ही नहीं करता ना कोई लिखता एक वो अपने अंदर क्या थी वो किसी ने बॉदर ही नहीं किया आज तक जानने के हमें खुद नहीं पता Shinaz Immo Appa had a very wonderful evening where I met Misbah and everyone and she had called a lot of people who'd studied with her kya kehte hain her colleagues and so that kind of a thing would be fantastic to yehi to keh rahi hu kabhi bhi kisi unke jo purani fellows hain unse kabhi baat nahi kisi ne bother ki karne ke liye unki friends ke sath nahi bother kiya unki family mein kisi ne bother nahi kiya ki how she was as an aunt as a puppy as a sister because you see they are not glamorous people na hamare sath to inhone attach kiya hua hai ki ye bada glamour hoga hamara program Mareena baithi hui hai Shinaz baithi hui hai so but you this is all superficial I don't know why this is going on mind na kare lekin main apni dil ki baat kar rahi hu ki ye is very upsetting keh rahi hai हमारे यहाँ ये चीजें हैं कि हम बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पर बात नहीं करते आप बिल्कुल ये बात ठीक कहती हैं मैं अग्री करती हूं नॉट इट्स नॉट पर्सनल देखें जब आप एक सेलिब्रिटी हैं और आप एक राइटर हैं आप एक पोएट हैं आप एक आर्टिस्ट हैं यू बिलोंग टू द वर्ल्ड ठीक है और ये आप ये नहीं हो सकता कि आप बैठ के कहें नहीं जी मेरे बारे में तो ये नहीं तो मेरे आप पिकासो उठा लें आप हेमिंग्वे उठा लें आप दुनिया के मंटो को उठा लें आप बेदी उठा लें जिस मर्जी को उठा लें सबके बारे में सबकी लाइफ्स के बारे में कोई बात करता है तो ऐसा होल करता है ये नहीं करते कि सिर्फ जो फ्रंट पे लोग हैं उनको सामने डाल के जी हमने पर आ जाए प्रोग्राम दिस इज अ वेरी सुपरफिशियल एंड अ वेरी नॉन सीरियस एंड अ वेरी नाइव अटेम्प्ट टू यू नो से एनीथिंग अबाउट हर
और ये मुझे बड़ी डिस्टर्ब करती है ये चीज कि उनसे कभी उनके बहन भाइयों से किसी ने बात नहीं की, उनके नीसेज एंड नेफ्यूज जिनके साथ वो इतनी क्लोज थी उनसे किसी ने बात नहीं की, उनकी बचपन की जो सहेलियां हैं उनको नहीं कभी किसी, बिकॉज दे आर लाइक दे आर नॉट द सेलिब्रिटीज और दे आर मे बी नॉट बिग नेम्स, तो उनको जनाब वो मैटर ही नहीं करते उनकी लाइफ. आई मीन दिस इज हाउ वी आर एज अ नेशन. ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम सब इसी तरह हैं कि भाई जो जो नजर आ रहा है जल्दी जल्दी ये करो, सामने सामने दिखा दो, लोपा लोपी लगा दो, चमक चमक चीजें दिखा दो, ग्लिटर ग्लिटर, और दैट्स इट. ठीक कह रही हैं. ये मुझे एक है ऑब्जेक्शन इस बात पे, जिसके लिए मैं कह रही थी कि अब मैं इसके बाद तो नहीं मैंने किसी का प्रोग्राम करना. मेरी लकड़ी कहाँ गई? बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आ गए और आपके हवाले से कोई प्रोग्राम करेंगे तब तो आप आ जाएंगी ना. बिल्कुल नॉट एट ऑल, मैं तो नहीं आऊंगी क्योंकि मैं देखें जी मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं है कि मैं आके आई शुड बी टॉक्ड अबाउट एज अ कंप्लीट पर्सन. मैं तो लाइफ में कुछ है ही नहीं. क्या मेरे दो ड्रामे किए मैंने, कुछ भी नहीं मैटर करते. ये शिट है जी, सॉरी माय माइंड, लेकिन ये मैटर ही नहीं करते. क्या है मेरी लाइफ आप देखिए ना, कुछ भी नहीं. दो ड्रामों के पीछे कैसे कोई मुझे एक कोई बना के कहे जी हम आपके बारे में जानना चाहते हैं. क्या जानना चाहते हैं जी? दो बच्चे, एक शादी. But Shanaz, the fact that people are still talking about it says something. You have to agree to that. Basically, Marina, I think they're talking about Sana Murad. They are totally raptured. I hate that person because like she is like on my case, you know, like I can't just get rid of her, you know. And because you did well, you should have done that. चले ये भी अच्छी बात है, ये भी जो आप बात कर रहे हैं ये भी अच्छी बात है और शायद ये आपका ये सही दुख है आपका. नहीं नहीं, और सना उसने हसीना ने कहा ना मैं दूसरा प्ले लिख रही हूँ, शहजाद साहब का जब फोन आया कि हसीना का प्ले, मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने कहा सलमान साहब मैंने सना मुराद का कैरेक्टर या उससे मिलता जुलता कह रहे मैंने जिंदगी में नहीं करना जिंदगी में. तो यू नो ये कुछ रोल्स आपके लिए अजदहा से बन जाते हैं. बड़ी मुश्किल से मैंने तो तनाइयां करके उससे जान छुड़ाई थी सना मुराद से. लेकिन द थिंग इज के लोगों की आई अंडरस्टैंड देयर अफेक्शन एंड देयर लव एंड एवरीथिंग, लेकिन जो फैंस हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो लोग आप जैसे लोग हैं जो इंटरव्यूज करते हैं, जो एक लिटरेरी सर्कल चला रहे हैं या जो एंकर्स हैं या जो प्रोग्राम्स करते हैं, जो बात करते हैं इसके ऊपर, जो लिटरेचर को समझते हैं, राइटर्स को समझते हैं, उनसे ये चीज ओवरलुक हो जाना अबाउट अ राइटर, ये इज दैट्स वेरी सैड. चले बहुत शुक्रिया. मैं समझती हूँ कि अभी जो आपने खुद ही एक बात कही कि आप सना मुराद से जान नहीं छुड़ा सकी, मैं समझती हूँ कि इसमें भी हसीना मोइन का ही कमाल है कि उन्होंने ऐसे कैरेक्टर लिखे कि वो लोग अपने अपनी असली शनाख्त भूल गए और शहजोरी हैं तो शहजोरी के नाम से याद रही, किरण कहानी है तो किरण उसमें याद रही, और बाकी उनके कैरेक्टर्स इतने स्ट्रांग थे कि वो उन्हीं नामों से याद रखे जाते हैं. आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, आपने अच्छी बात कही है. और going to wait kyunki maine aapke program mein ye baat ki hai, I'm going to wait for something very nice and solid to come about her from you ki aap se maine theek hai. inshallah aap zarur hum zarur ye karenge zarur karenge. aur bahut shukriya aap dono ka ki aap log aaye aur kuch baatein purani kuch nayi baatein aapne, achhi baat hai hamare liye, ye bahut ek honor ki baat hai ki aapne hame itni achhi suggestion di hai. hum zarur isko follow karenge और कोशिश करेंगे कि जो आपने बात कही है उस पे भी बात मजीद की जाए. बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं आखिर में सिर्फ यही कहूंगी कि डायलॉग्स की आप बात कर रहे थे कि उनकी डायलॉग्स बड़ा उनके स्क्रिप्ट में स्ट्रांग हुआ करते थे, तो तन्हाइयां ड्रामे का एक आखिरी डायलॉग था कि चिराग तो अभी जलने शुरू हुए हैं. तो मैं कहना चाहूंगी कि हसीना मोइन साहिबा और उन जैसे और राइटर्स ने जो हमारे रास्तों के अंधेरों को दूर करने के लिए जो चिराग जलाए हैं, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको बुझने ना दें और उनको जलाए रखें. आप सबका बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज. ओके जी, खुदा हाफिज.